हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं ईगो टीवी में स्मार्ट एलईडी में अगर यूट्यूब ना चले तो किस तरह हम चलाते हैं इसको। तो इसमें यूट्यूब चलाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको नेट से कनेक्ट करेंगे। नेट से कनेक्ट करने के बाद देखेंगे कि किस तरह से, अगर यूट्यूब आपका नहीं चल रहा है, ये आपका अगर आ रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें हम नेट कनेक्ट करेंगे। नेट कनेक्ट करने के बाद स्पीड अगर सही आ रही है तो इसमें ये एप्टोइड टीवी की एप्लीकेशन है, इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद, ओके ओके करने के बाद यहाँ पर इसमें आएगा एक स्मार्ट यूट्यूबर, ये वाली एप्लीकेशन है दोस्तों, इसको हम इंस्टॉल करेंगे। इसमें ये इंस्टॉल हो जाएगी, ये इंस्टॉल हो रही है। इंस्टॉल होने के बाद इसको हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ये इंस्टॉल हो रही है, ये इंस्टॉल हो गई। उसके बाद हम इसको यस कर देंगे। यस करने के बाद हम ऐप्स में आएंगे, ऐप्स में आते हैं। ऐप्स में आने के बाद ये नीचे राइट साइड पर आ रहा है कोने में, स्मार्ट यूट्यूब टीवी, इसको ओपन करा। ओपन करने के बाद ये इसमें सबसे शुरू में जो आता है ऑप्शन, इसको ओके कर देंगे। ये नेट की स्पीड बहुत जरूरी है, इसमें अच्छे से अच्छी है। उसके बाद इसको अपग्रेड कर देंगे एक बार वर्जन को। अगर किसी ईगो के एलईडी में यूट्यूब नहीं चल रहा है तो उसके लिए ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। ये चल रहा है, ये आ गया यूज यूट्यूब, ये चल गया। देखो दोस्तों, ये आ गया। ये दूसरी एप्लीकेशन जो मैंने अपग्रेड की थी उसके लिए वो दूसरा वर्जन आ गया है, तो इसको भी हम दोबारा से इंस्टॉल कर देंगे। ये इसका एप्लीकेशन का अपडेट हुआ है वर्जन, एप्लीकेशन वही है बस अपडेट हो गया वर्जन इसका। ये हमने डन किया, यहाँ से हमें डन करना है। डन करने के बाद बाहर से हमें दोबारा से जाके अंदर से खोलना होगा इस एप्लीकेशन को। ये हमने ओपन की, अपडेट हो गया वर्जन जी। फोन कहाँ ले गए? चल गया। फोन कहाँ भैया? कोई भी चीज हमें यहाँ से सर्च करनी है, सर्च भी चलेंगे। तो दोस्तों